दिल्ली बीजेपी एक्शन मोड में है। एक के बाद एक रामलीला मैदान में कई आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसा ही आयोजन कल भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली है और इस रैली का नाम युवा विजय महासंकल्प रैली है। यहाँ पर तैयारियाँ दिखा दें आपको कि किस तरह से कल के रैली के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन और क्या कुछ खास रहने वाला है इस रैली के लिए, ये जान लेते हैं। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश जी, यहाँ आए हैं रैली का निरीक्षण करने। जयप्रकाश जी, कल का जो बीजेपी का कार्यक्रम है वो क्या है, किस क्या उसकी जानकारी है? कल विजय संकल्प रैली है। दिल्ली के सभी युवाओं ने एक संकल्प लिया है कि विजय संकल्प 2019 में मोदी जी को दोबारा से कैसे लेकर आएंगे और विशेषकर दिल्ली की सातों की सातों सीटें हम कैसे जीतेंगे, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं। हमारे युवाओं की मीटिंग हो रही है और दिल्ली से हजारों की संख्या में युवा रामलीला मैदान में आएगा और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात को सुन के जाएगा। तो कल युवाओं की महारैली, लेकिन एक के बाद एक आपने पिछले बार SC ST का भी कार्यक्रम रखा था, इस बार युवाओं का भी, इस तरह के कितने कार्यक्रम हैं? महिलाओं का भी कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग में काम बढ़े, उसका विस्तार हो और नए नए लोग मोदी जी की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों तक उनकी बात पहुंचे, तो इसलिए हमने पूर्वांचल का कार्यक्रम किया, पूर्वांचल का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर हमने दलितों का किया, खिचड़ी महासंगम खिचड़ी बनाई और हमने हर वर्ग में जाकर के वहाँ पर दाल और चावल हमने इकट्ठे किए। महिलाओं को हमने कार्यक्रम किया, पूरी दिल्ली में हजारों की संख्या में महिलाओं को मोबिलाइज किया और अब युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोगों को घर घर तक जा रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियाँ, उनके द्वारा किए गए 4.5 साल में काम, वो लोगों तक पहुँचे और अंतिम जो व्यक्ति है जिसके लिए उन्होंने काम किया है, चाहे जनधन खाता है, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, चाहे अभी आयुष्मान योजना है, सौभाग्य योजना है, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो लोगों के घर तक पहुंचे। जेपी जी, लेकिन अब जो है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक राहत की बात है क्या? देखो, वो गठबंधन करे ना करे, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए दिल्ली में हमारा मत प्रतिशत बढ़े, हर वर्ग में हमारा काम बढ़े। हमारे पास मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी सरकार के द्वारा किए गए काम, वो हमारे पास हैं, तो हम लोगों के साथ आत्मविश्वास के साथ भी लोगों के बीच में जा रहे और लोग हमारे को हाथों हाथ ले रहे। आपने देखा होगा महिला मोर्चा में हजारों की संख्या में यहाँ बहनें इकट्ठे होगी और कल आप जब देखेंगे तो पूरी दिल्ली से युवाओं का जन सैलाब रामलीला मैदान में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से कल की महारैली के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि रामलीला मैदान के एक बड़े हिस्से को इस महारैली से पूरी तरह से भर दिया जाए और यही वजह है कि तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। हालांकि देखना होगा कि कल की इस रैली से बीजेपी कितने युवाओं को दिल्ली में अपने पक्ष में इकट्ठा कर पाती है।